हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो पेपर के अंदर जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कैश फ्लो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को समझे, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्या हम सीखते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश का इनफ्लो सीखते हो और कैश का आउटफ्लो सीखते हो, दो चीजें सीखते हैं हम यहां पर मेनली, कि कैश का इनफ्लो क्या है और कैश का आउटफ्लो क्या है। कैश हमारे पास आया कहां से बच्चों, और कैश हमारे पास से जाएगा किन किन सोर्सेज के थ्रू, ये सब बातें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सीखते हो। पर एक बात और, अगर मैं आपसे बात करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, है ना। अगर हम इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करते हो तो आप देखिए यहां पे, तो प्यारे बच्चों मैं आपको इनफ्लो और आउटफ्लो पे रोक दिया, रीजन क्या उसका। अगर इनफ्लो का बात करूं कैश फ्लो में, तो इनफ्लो मींस व्हाट बेटे, इनफ्लो मींस कैश का आना, और आउटफ्लो मींस कैश का हमारे पास से, हमारे बिजनेस से कैश का जाना। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने शुरू किया वो स्टार्ट ही क्यों किया, ये इनफ्लो और आउटफ्लो, तो मैंने आप लोगों को या आपने अपने एकेडमिक में कैश बुक चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा। बेटे जब हम कैश बुक बनाते थे तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कैश का हम इनफ्लो लेते थे, एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कैश का, अगर आप लोग को याद हो, तो हम आउटफ्लो लेते थे। क्या कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही बात है क्या? बिल्कुल अलग अलग बातें हैं दोनों। आप देखो कैश बुक लिमिटेड सेंस में बनाया था हमने, ये सिर्फ ये बताता था कि कितना हमारे पास कैश आया और कितना हमारे पास से कैश जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता कि कितना हमारे पास कैश आएगा, कितना हमारे पास से कैश जाएगा, किन किन सोर्सेस से कैश आएगा और किन किन सोर्सेस से कैश हमारे पास से जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैश फ्लो के अंदर तीन सोर्सेस हैं कैश आने और जाने के, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज के ऊपर बच्चों फोकस कर लिया ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें सीखना क्या कि इन एक्टिविटीज के अंदर हम कौन कौन से आइटम लेने वाले हैं और इन एक्टिविटीज का हम ट्रीटमेंट कैसे कैसे करने वाले हैं। अगर ये बातें सीख लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 90% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने इसलिए बनाना शुरू किया कि ये कैश के इनफ्लो को बताता है, कैश के आउटफ्लो को बताता है, किस किस एक्टिविटीज से कैश आया और गया, इन बातों को भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। दूसरी बात, नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो किसी कंपनी का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी है। कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड अगर आप देखते हो, तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, चेंज इन वर्क, जो चेंजेस करते हो आप, जैसे वर्किंग कैपिटल बना, वर्किंग कैपिटल जो बनाते हो, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा, वर्किंग नोट्स बेटे, है ना, जिसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हो। तो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का प्रिपेयर करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होगा हमारे लिए। अब
हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम ऑपरेटिंग में क्या चीजें लोगे, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या चीजें लेंगे और फाइनेंसिंग के अंदर क्या चीजें लेंगे। बेटे अगर ये बातें आपने सेट कर लिया ना दिमाग के अंदर, तो आप समझ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्या कैश ऑपरेटिंग में क्या आएगा, कैश इन्वेस्टिंग में क्या आएगा और कैश फाइनेंसिंग में क्या आएगा जाएगा। तो आओ बच्चों, मैंने एक तरीका आप लोगों को बताना, बैलेंस शीट के थ्रू ये चीजें समझते हैं। भाई बैलेंस शीट से फालतू चीजें तो आपसे नहीं पूछा जा सकता है ना, तो बैलेंस शीट के एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट से चीजें उठा के लाते हैं कि भैया कौन सा आइटम ऑपरेटिंग का है, कौन सा आइटम फाइनेंसिंग का है, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग का है, ये सब बातें सीखते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहला बात करूं आपसे शेयर कैपिटल के लिए। तो बेटे शेयर कैपिटल जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन करेंट लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करेंट लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों एक्टिविटीज के ऊपर वर्कआउट किया कि एक्टिविटीज के अंदर लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट से क्या क्या आइटम्स आप ले सकते हो। बच्चों बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो शेयर कैपिटल गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड करेंट लायबिलिटीज व्हाट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी से हमने एक एक आइटम्स को वर्कआउट किया, एक एक आइटम के ऊपर कि ये चीजें कहां जाने वाला, ये चीजें कहां जाने वाला। तो आइए एसेट के ऊपर हम वर्क करते हैं। नॉन करेंट एसेट इज एन आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज एन आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, करेंट एसेट इज एन आइटम ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां से हमने फाइनली डिसाइड किया कि बच्चों ऑपरेटिंग में क्या क्या जाने वाला, इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाने वाला और फाइनेंसिंग में क्या क्या जाने वाला। तो बैलेंस शीट के अंदर टोटल आइटम्स काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम्स है टोटल। तो 7 आइटम में 2-3 आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, 2 इन्वेस्टिंग का और 2 आइटम किसका होगा बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होगा। तो ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आता है सर, रिजर्व सरप्लस, करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट एसेट। फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। एक बार और देखते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो ऑपरेटिंग के अंदर 3 चीजें लेना आपने, पहला आइटम करेंट एसेट, दूसरा करेंट लायबिलिटी और तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ये 3 आइटम ऑपरेटिंग के हैं। अगर इन्वेस्टिंग का बात करूं तो बेटे नॉन करेंट एसेट लेना और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लेना। अगर फाइनेंसिंग का बात करूं तो नॉन करेंट लायबिलिटी और बेटे क्या आएगा यहां पे, शेयर कैपिटल। अगर आपने बस इतना याद कर लिया ना, आप समझ लीजिएगा कि आपका 90% चैप्टर के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है। कि इस एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा और इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग याद करें कि ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा और फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या चीजें आप लेने वाले हो। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका।